हेलो एवरीवन, ये थर्मोडायनेमिक्स का लेक्चर 5 है। और इस लेक्चर 5 में हमने वर्क डन के एक्सप्रेशन लास्ट वीडियो लेक्चर्स में निकाले हैं, जिसमें हमने एडियाबेटिक और आइसोथर्मल के लिए जो वर्क डन कैलकुलेट किए हैं उससे रिलेटेड ये न्यूमेरिकल है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, कैलकुलेट द वर्क डन व्हेन अ ग्राम मोल ऑफ अ गैस एक्सपेंड आइसोथर्मल एट 27 डिग्री सेंटीग्रेड टू डबल इट्स ओरिजिनल वॉल्यूम। तो इस क्वेश्चन में आप देख सकते हैं पहले क्या करना है, क्या क्या दिया है वो लिखेंगे। ठीक है, तो टेम्परेचर दिया है और एक्सपेंड हो रहा है आइसोथर्मल, तो आइसोथर्मल वाला एक्सप्रेशन यूज करना है। और जो वॉल्यूम है वो डबल हो जा रहा है, मतलब V2 ऑफ ट्वाइस ऑफ V1 हो जा रहा है ना। और या फिर आप क्या कर सकते हैं, V1 इक्वल टू V लिख सकते हैं और V2 ट्वाइस ऑफ V हो जाएगा। टेम्परेचर दे रखा है 27, तो इसको आप केल्विन में लिख सकते हैं। ठीक है, R भी दिया है। तो वर्क डन का अगर आपको एक्सप्रेशन याद है, तो वर्क डन आइसोथर्मल के लिए होता है W इक्वल टू RT log बेस E V2 अपॉन V1। दिया है V1, दिया है टेम्परेचर, दिया है वैल्यूज पुट करेंगे, इवन R गैस कांस्टेंट की वैल्यू भी दी है। वैल्यूज पुट करिए और आपका ये आंसर आपको मिल जाएगा। तो यहाँ से लॉग बी से वी कैंसिल हो जाएगा लॉग के अंदर, और लॉग टू की वैल्यू आप निकाल सकते हैं। ठीक है, 0.03010, और ये आप कैलकुलेट किया तो वर्क डन आ रहा है 725 जूल, 725 जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन, एयर इज कंप्रेस्ड एडियाबेटिकली टू हाफ इट्स वॉल्यूम। तो एडियाबेटिक का केस है और वॉल्यूम हाफ हो जा रहा है। कैलकुलेट द चेंज इन इट्स टेम्परेचर। तो टेम्परेचर में चेंज पूछा है, तो अगर आप एक्सप्रेशन सारे वर्क डन के एक्सप्रेशंस देखेंगे, तो आप वर्क डन जिसमें वॉल्यूम है वो वाला एक्सप्रेशन देखिए, और जिसमें वर्क डन टेम्परेचर का है वो देखिए। तो आप देखेंगे एक दूसरे से रेसिप्रोकल होते हैं जो टेम्परेचर और वॉल्यूम होते हैं एडियाबेटिक के केस में। तो और गामा टू पावर माइनस वन होती है V1 पे, तो V1 अपॉन V2 गामा माइनस वन इक्वल टू T2 अपॉन T1। और यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, V1 दिया है हाफ हो जाता है V2 जो है V1 से। और एयर के केस में, क्योंकि एयर है, एयर के केस में गामा की वैल्यू 1.4 होती है, ये आपको याद रखनी होगी। आपने वैल्यूज पुट की, वैल्यूज पुट करने के बाद आप T2 कैलकुलेट कर लेंगे। अब क्योंकि चेंज इन टेम्परेचर पूछ रहा है, मतलब T2 माइनस T1 पूछ रहा है, तो T2 आपने कैलकुलेट कर लिया यहाँ पे वैल्यूज पुट करके, तो T2 माइनस T1 हो जाएगा। T2 की वैल्यू आप कैलकुलेट कर चुके हैं, T1 की जगह T1 रखेंगे, तो ये आपका चेंज इन टेम्परेचर आएगा 0.319 T1 केल्विन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, थर्ड क्वेश्चन है, 1 ग्राम ऑफ अ मोल ऑफ मोनोएटॉमिक परफेक्ट गैस एट 27 डिग्री सेंटीग्रेड इज एडियाबेटिकली कंप्रेस्ड इन अ रिवर्सिबल प्रोसेस फ्रॉम एन इनिशियल प्रेशर ऑफ 1 एटमोसफेयर टू फाइनल प्रेशर 50 एटमोसफेयर। कैलकुलेट द चेंज इन टेम्परेचर। तो टेम्परेचर और प्रेशर वाला रिलेशन देखना है, तो वर्क डन आप देख सकते हो प्रेशर वाला और वर्क डन और टेम्परेचर वाला। जब उन दोनों को आप कंपेयर करोगे तो देखोगे P1 जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर की, और लेकिन पी की जो पावर होती है वो गामा माइनस वन अपॉन गामा के टर्म्स में आता है। तो वहां से अगर आप एडियाबेटिक का एक्सप्रेशन देखेंगे, तो P1 अपॉन P2 गामा माइनस वन इक्वल टू T1 अपॉन T2 टू पावर गामा, क्योंकि ये गामा अगर वहां पे आपको एक्सप्रेशन याद हो तो इस तरीके का एक्सप्रेशन निकल के आएगा, गामा माइनस वन अपॉन गामा। ये गामा इधर जाएगा तो इधर पावर में बन जाएगा। ठीक है, तो P1 इक्वल टू 1 एटमोसफेयर, P2 इज द 50 एटमोसफेयर, T1 27 डिग्री सेंटीग्रेड है, उसको कैल्विन में लिख लेंगे 300। वैल्यूज पुट करिए, गामा मोनोटोमिक गैस के लिए 5/3 होता है। वैल्यूज पुट किया आपने, T2 आपका आ जाएगा कैलकुलेट होके। तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से स्टेप कैलकुलेशंस भी देख सकते हैं, यहाँ से क्या क्या इसको रिवर्स किया, 50 टू पावर 2/3, T2 पावर अपॉन 300, 5/2 इसका लॉग ले लिया, लॉग लेने के बाद 2/3 लॉग 50, 5/3 लॉग T2 माइनस लॉग 300। और ये इसके बाद आपका आएगा, जब यहाँ पे इन सब लॉग्स की वैल्यू ले लेंगे तो लॉग T2 की वैल्यू आ जाएगी 3.1567, T2 इक्वल टू 1434 केल्विन।
चेंज इन टेम्परेचर पूछा है, तो फिर T2 माइनस T1 कर लेंगे। T2 हमारा आ चुका, T1 300 था, तो चेंज इन टेम्परेचर आ जाएगा 1134 डिग्री सेल्सियस, नहीं आएगा केल्विन। ठीक है, सेल्सियस में आपको इसको चेंज करना पड़ेगा। तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, अमोनो एटॉमिक आइडियल गैस ऑफ वॉल्यूम 1 लीटर। तो वॉल्यूम V1 दिया है कितना, 1 लीटर। प्रेशर 8 एटमॉस्फेरिक, तो P1। अंडरगोज आइडियोबेटिक एक्सपेंशन, तो आइडियोबेटिक का केस है। प्रेशर ड्रॉप डाउन टू 1 एटमॉस्फेयर, 8 से P2 जो है 1 एटमॉस्फेयर हो जाता है। व्हाट इज द फाइनल वॉल्यूम, तो V2 पूछा है। एंड हाउ मच वर्क डन, तो वर्क डन पूछा है। अगर वॉल्यूम नहीं पूछा होता तो प्रेशर में चेंज है, हम उसी एक्सप्रेशन से वर्क डन के प्रेशर में चेंज बता रखा है, तो वर्क डन कैलकुलेट कर सकते थे। बट हमें यहाँ पे क्या है, V2 भी कैलकुलेट करना है। तो V2 कैलकुलेट करने के लिए पहले हम क्या करेंगे, P1 और वॉल्यूम में हमारा जो रिलेशन है, P1 V1 गामा पावर गामा इक्वल टू P2 V2 टू पावर गामा। तो यहाँ पर आप P1 V1 और V1 की वैल्यू पुट कर लेंगे। गामा मोनोटोमिक गैस के लिए अभी बताया था 5/3 होता है, रखेंगे वैल्यूज पुट की, तो V2 आपका आ जाएगा, यहाँ नीचे आप देख सकते हैं V2 आपका आ गया 0.524 आ गया लॉग V2 की वैल्यू, और V2 आ गया 3.47 × 10^3 cc लीटर, है ना, ये लीटर में आपका V2 आ गया। V2 आ गया तो आप क्या कर सकते हैं, वर्क डन का जो आपका फॉर्मूला है यहाँ तक हम कर चुके। वर्क डन P1 V1 की टर्म्स में आ जाता है 1/γ-1 P1 V1 - P2 V2। तो P1 V1 और P2 V2 की वैल्यूज रखिए, वर्क डन आ जाएगा 8.86 × 10^9 ऑग्स। ठीक है, और यहाँ पे हमने क्योंकि 1 एटमॉस्फेयर इक्वल टू 10^6 दिया है, तो हमने एटमॉस्फेयर को टाइम्स में चेंज कर लिया है, तो 8 × 10^6 वैल्यू रखी है। तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो अब तक पढ़े हैं उससे रिलेटेड। तो फर्स्ट है वर्क डन बाय अ गैस। वर्क डन बाय अ गैस मतलब एक्सपेंशन इज रिप्रेजेंट बाय पॉजिटिव। वर्क डन ऑन द सिस्टम मतलब कंप्रेस का केस इज रिप्रेजेंट बाय नेगेटिव। और अगर मैं यहाँ पे एक ऐसे ही मैं फिगर बना देती हूँ, ये हमारा कुछ इस तरीके का पॉइंट है ए और बी, ए से बी में हमने ये पाथ ट्रेवल किया। तो अंडर द कर्व विल डिपेंड ऑन द शेप ऑफ द कर्व विल बी डिफरेंट फॉर डिफरेंट कर्व विल द सेम एंड पॉइंट। इट मीन्स दैट वर्क डन बाय और ऑन द सिस्टम नॉट ओनली डिपेंड द इनिशियल एंड फाइनल स्टेट बट ऑल्सो इंटरमीडिएट स्टेट दैट इज पाथ अलॉन्ग विच चेंज अकर्स। इन अदर वर्ड्स वर्क इज अ पाथ फंक्शन नॉट अ पॉइंट फंक्शन। तो ए और बी कहाँ है उस पर डिपेंड नहीं करेगा वर्क डन, डिपेंड करेगा कौन सा पाथ लेके ए और बी तक पहुंचे। अगर यहाँ पे हम पहुंच रहे हैं ए और बी को इस पाथ को लेके, तो वर्क डन लगाएगा, क्योंकि हम क्या कहते हैं इसके शेडेड एरिया बताता है। अब ए और बी में हम कुछ ऐसे पहुंचे तो शेडेड एरिया कम हो गया, तो वर्क डन चेंज हो जाएगा। तो हम कौन सा पाथ लेके ए और बी तक पहुंचे हैं उस अकॉर्डिंग वर्क डन चेंज हो जाएगा। तो पॉइंट फंक्शन नहीं है वर्क डन, पाथ फंक्शन है। तो यहाँ पे हम इसको एंड करते हैं इस लेक्चर 5 को, और जो भी आपके डाउट्स हैं आप कमेंट सेक्शन में पोस्ट करिए। जो भी आपके डाउट्स हैं वो कमेंट सेक्शन में पोस्ट करिए, और जो भी इससे रिलेटेड क्वेरीज हैं फिर हम लोग वो डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में।